सो हेलो गाइस, अगर आप एक डेवलपर हैं और आपको टर्मिनल यूज़ करना नहीं आता तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग टर्मिनल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और टर्मिनल के सारे बेसिक बिगनर लेवल जो कमांड्स होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। और टर्मिनल क्यों यूज़ करना चाहिए हम लोग को, इसका रीज़न ये है कि हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा टाइम, अगर हम लोग GUI से करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं अपना उसमें, जो कि काम हम लोग अगर टर्मिनल से करें तो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को टर्मिनल यूज़ करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। तो जब टर्मिनल ओपन होगा तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो टर्मिनल जो होते हैं, अभी बेसिकली आपने जो नाम सुने होंगे वो बैस सुना होगा, और ये जो मेरा टर्मिनल है ZSH है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है। इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। कुछ लोगों के हमें परसेंटेज की डॉलर लिख के आ रहा होगा। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन कंप्यूटर्स, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग होता है। तो इसको आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेन बात कर लेते हैं प्रॉम्प्ट होता है। इसके आगे जहाँ पे आपको ये ग्रे सर्कल ग्रे स्क्वायर सा दिख रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना कमांड लिखते हैं। तो बेसिकली कमांड्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम लोग कुछ कराना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग GUI में क्या होते हैं, माउस ले जाकर क्लिक करते हैं, हमें अगर ये फोल्डर खोलना है इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा ये फोल्डर ओपन कर दो, तो ये ओपन करेगा, ये काम ये सब करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी सबसे पहली कमांड लिखते हैं जो कि होती है PWD। तो PWD क्या होता है, P क्या होता है, यहाँ पे P जो होता है वो होता है प्रिंट, W जो होता है वो होता है वर्किंग, और D ये होता है डायरेक्टरी। तो ये कमांड क्या करता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करता है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स क्या, कि हम लोग किस डायरेक्टरी में हैं। अब आप लोग अगर कन्फ्यूज़ हो, आपको नहीं पता हो डायरेक्टरी क्या होता है, तो बेसिकली डायरेक्टरी को, फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। ऐसे जो डेमो यहाँ पे बना हुआ है इसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको बताएगा कि आप लोग किस फोल्डर या किस डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो अभी जो हम लोग हैं वो user/HarshMishra फोल्डर के अंदर हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगर हम लोग को कोई फोल्डर को ओपन करना है तो टर्मिनल पे हम लोग को कमांड लिखेंगे ओपन, और उसके बाद यहाँ पर वो वाले फोल्डर का नाम। तो मैं यहाँ से पाथ कॉपी करूँगा। अगर आप मैक में है तो कमांड लिनक्स में है तो फिर Ctrl+C करके, और यहाँ पे कमांड भी या Ctrl+V करके पेस्ट करके एंटर मारेंगे। जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो गया है ऐसे। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग साइड में लगा लेते हैं ऐसे, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ एज ए लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग को कुछ फाइल्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फाइल्स दिख रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे टर्मिनल पे ये सारी फाइल्स देखनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ls। ls क्या कमांड होती है, ls क्या करती है, ls दिखाती है हम लोग को लिस्ट, जो जितने भी आइटम उस डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ls दबाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम है डायरेक्टरीज के और जो फाइल्स के वो क्या क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे सेम टू सेम नाम दिखाई दे रहे हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो म्यूजिक एप्लीकेशन पिक्चर्स क्रिएटिव क्लाउड एक्सेट्रा। तो चलिए मान लीजिए कि अब हम लोग को किसी और डायरेक्टरी के अंदर जाना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर जाना है, तो मैं अगर मुझे यहाँ से GUI से जाना हो तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसके अंदर जा सकता हूँ। पर मान लीजिए यही चीज़ मुझे टर्मिनल से करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा CD। CD क्या करती है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो ये क्या करता है, डायरेक्टरी को चेंज करता है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट डायरेक्टरी में है, वो क्या है, होम डायरेक्टरी जो हमारी होती है user/HarshMishra, तो जो आपके कंप्यूटर में आपके हिसाब से होगी। तो हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाना है, जैसे कि हम लोग को क्या बताया पिक्चर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे P दबाएंगे पिक्चर्स का, और अगर हम लोग को पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे पिक्चर्स और एंटर मारेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पे देखिए आप, ये जो टिल्ड बना हुआ था जो होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जगह पर पिक्चर्स लिख के आ गया। तो मतलब कि हम लोग अभी पिक्चर्स के अंदर हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिख के एंटर मार सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाथ है आपका वो चेंज हो चुका है, वो हो चुका है user/HarshMishra जो कि हमारी होम डायरेक्टरी थी /pictures। तो हम लोग पिक्चर्स फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं पिक्चर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी पिक्चर्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ आइटम हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। दो डायरेक्टरी दिखाई दे रही, कैमरा रोल और सेव्ड पिक्चर्स, और दो फाइल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग को यहाँ पे अगर टर्मिनल पे वापस से ये सारी फाइल्स देखनी हो तो हम लोग क्या कमांड यूज़ करते थे, हम लोग कमांड यूज़ करते थे ls, जो क्या करता था लिस्ट दिखाता था हम लोग को अवेलेबल आइटम्स की। तो हम लोग यहाँ ls लिख के एंटर दबाएंगे, और देखिए यहाँ पर भी आपको ये सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इस फोल्डर से बैक जाना है। बैक जाने के लिए GUI से हम लोग नॉर्मल बैक एरो पे क्लिक करके बैक जा सकते हैं, पर टर्मिनल में बैक जाने के लिए
दो तीन तरीके होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेसिक और नॉर्मल तरीका जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं CD चेंज डायरेक्टरी और डॉट डॉट और उसके बाद एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस ये टिल्ड हो चुका है, पाथ जो है चेंज हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस से PWD लिखूँ जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है, तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि हम लोग इस समय किस डायरेक्टरी पे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ एंटर दबाया और देखिए यहाँ पर user/HarshMishra लिख के आ गया। हम लोग वापस से अपनी होम डायरेक्टरी के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे कि CD... क्या है, तो यहाँ ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हम लोग हैं उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में। ओके, तो अगर आप एक बार और ट्राई करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग यूजर्स के अंदर एक HarshMishra डायरेक्टरी में, तो HarshMishra की जो पेरेंट डायरेक्टरी हुई वो ही यूजर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे वापस से CD... करें तो ये देखिए अब ये वापस से यूजर्स के अंदर आ गया, यहाँ पे भी आपको पाथ दिखाई देगा और वैसे आप लोग PWD लिख के भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका होता है डायरेक्टरी को चेंज करने का वो होता है CD। हम लोग टिल्ड अगर लिखते हैं CD के साथ स्पेस के बाद, तो टिल्ड जो दिखाता है वो हम लोग की होम डायरेक्टरी को दिखाता है, और अगर हम लोग जब ये कमांड लिख के एंटर दबाएंगे तो ये वापस से इसको होम डायरेक्टरी पे ले आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वापस से टिल्ड पे आ गए हैं। तो आप लोग एक बार फिर से PWD लिख के एंटर दबा के देख सकते हैं कि हम लोग वापस से user/HarshMishra के अंदर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा टर्मिनल जो है काफ़ी भर चुका है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग के पास एक कमांड होती है क्लियर, तो इससे ये हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो कि हमारा कोड सारा कहाँ गया, जो हमारी सारी कमांड्स थी वो कहाँ गई। तो आप लोग जरा सा माउस को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कमांड्स आपकी ऊपर चली गई हैं। बस ये आपको थोड़ा सा क्लियर स्पेस दे देता है जिससे कि आप अच्छे से कमांड्स को पढ़ सकें और देख सकें। तो चलते हैं, हम लोग को अगर कभी कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे क्रिएट। अगर हम लोग को कभी कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो हम लोग टच कमांड के यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टच और उसके बाद फाइल का नेम। तो फाइल का नेम मैं लिखता हूँ यहाँ पे test.txt और एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक फाइल text.txt नाम से क्रिएट हो गई है, और टर्मिनल पे कंफर्म करने के लिए हम लोग ls list लिख के चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारी फाइल text.txt नाम से क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद इस फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ से तो हम लोग डबल क्लिक करके नॉर्मल इसको टेक्स्ट एडिट से ओपन कर सकते हैं, पर यहाँ पे ओपन करने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी open.test.txt। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक कोड फॉर लाइफ प्लीज सब्सक्राइब, और इस फाइल को सेव कर देता हूँ command s, और इसके बाद इसको बंद कर देता हूँ। ये तो मैक का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर था। अब मैं अगर आपको एक नया टेक्स्ट एडिटर दिखाऊं जो सिर्फ टर्मिनल में चलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नैनो, जो कि टर्मिनल के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है, और उसके बाद फाइल का नाम test.txt और एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी फाइल्स लिखी हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग माउस का यूज़ नहीं कर सकते ऐसे, अगर आप चाहें ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करना कुछ भी तो आप ऐसे माउस यूज़ नहीं कर सकते, बेसिकली टर्मिनल के लिए बना हुआ ही है। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड का और ये जो आप ग्रे कलर का कर्सर देख सक रहे हैं इससे आप लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखने के लिए मैं यहाँ जैसे कि हेलो लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल आपका फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S भी नहीं चलेगा, आपको नॉर्मल यहाँ पे नीचे कमांड्स लिखी हुई दिख जाएंगी कि किस कमांड से क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैरेट साइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है मैक में कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। कंट्रोल की +G दबाएंगे तो हेल्प, और X दबाएंगे तो एग्जिट, और Ctrl+O दबाएंगे तो राइट आउट का मतलब होता है सेव। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+O से। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो फाइल है वो ऑलरेडी है, तो इसको आपको ओवरराइट करना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर दबा दूंगा, तो इसने बताया wrote two lines जो है वो से लिखती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+X दबा के एग्जिट कर दूंगा। तो एक बार कंफर्म करने के लिए कि ये फाइल लिखी है ऐसा कि नहीं, एक बार मैं इसको ओपन से ओपन करता हूँ, open.test.txt और एंटर दबाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों लाइनें लिखी हुई हैं। इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि आपको बार बार फाइल का नाम पूरा लिखना पड़ रहा है, तो जो ट्रिक मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो होती है अगर मैं यहाँ पे ओपन और टी लिखूँ, open T और टैब दबाऊँ, तो ये देखिए अपने यहाँ फाइल का नाम पूरा कर देता है ऑटो कम्प्लीट, इसको बोलते हैं टैब कम्प्लीसन। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो देखिए यहाँ पे ये फाइल को खोल देगा। तो चलिए हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली और फाइल को एडिट भी कर लिया। तो अब चलते हैं, अगर हम लोग को कभी कोई फाइल को, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने फाइल को बोला, यहाँ डायरेक्टरी नहीं बोला, अगर हमको कभी कोई फाइल को डिलीट करना हो तो यहाँ पे हम rm कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे rm और
टेस्ट, टी लिखेंगे या टी ई लिखेंगे और टैब दबाएंगे, तो देखिए इसने ऑटो कम्प्लीट से टैब कम्प्लीशन से पूरा कम्प्लीट कर दिया। और इसके बाद हम लोग दबाएंगे एंटर, तो यहाँ से देखिए ये फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ से टर्मिनल पे कंफर्म करने के लिए एक बार एलएस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एलएस लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, और यहाँ पे आपको देखिए कोई भी फाइल नहीं मिलेगी टेस्ट नाम से। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, कि हम लोग को अगर कभी कोई फोल्डर क्रिएट करना हो तो कैसे टर्मिनल से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक कमांड लिखते हैं जो होता है mkdir, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी के बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं, जो कि हम लोग टेस्ट नाम दे देते हैं इसको, और इसके बाद एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग ls दबाएंगे और एक बार कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए हम लोग को अगर अब टेस्ट फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करनी है, तो टेस्ट फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे, तो उसको होगा cd, चेंज डायरेक्टरी करेंगे अपनी। अभी हम लोग होम डायरेक्टरी से टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, cd टेस्ट एंटर दबाएंगे, और इसके अंदर एक अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। जो फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताई थी, टच, तो टच, और उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पे फाइल का नाम। फाइल का नाम हम लोग रखते हैं test1.txt, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ चल के देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोग देखने के लिए ls कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी करेंटली टेस्ट फोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ हम लोग ls करेंगे और देखेंगे यहाँ पे test1.txt हो चुकी है। तो पहले मैंने आपको टर्मिनल को क्लियर करने के लिए कमांड बताई थी क्लियर, तो अभी मैं आपको उसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। बार बार आप क्लियर लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत लेंदी पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जो होता है कमांड के। तो आप लोग कमांड के दबा के अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कमांड के दबाया और टर्मिनल हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप वापस से अपना नया कोड लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये टेस्ट फाइल जो है इसमें थोड़ा सा कोड लिखते हैं, जैसे कि ये अपने टेस्ट फाइल को ओपन करके इसमें कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा नैनो टी, टैब दबाऊंगा और ये फाइल ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक हेलो हाउ आर यू, और इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, और फिर मैं इसको एग्जिट करके बाहर आ जाऊंगा। और इस फाइल को मैं देखने के लिए, कन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ पे ओपन टेस्ट वन और एंटर, सॉरी टैब दबा के मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा, और देखिए ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिट खुल जाएगा, और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और नई डायरेक्टरी इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करता हूँ। तो एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई कमांड लिखेंगे mkdir और डायरेक्टरी का नाम। तो मैं यहाँ डायरेक्टरी का नाम रखता हूँ test2। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी टेस्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेस्ट फोल्डर से बाहर चलते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले इस टेस्ट फोल्डर के बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के लिए cd चेंज डायरेक्टरी, और एक फोल्डर बाहर जाने के लिए cd... इसके टेस्ट फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में चलते हैं, जो कि क्या है, होम हमारा हर्ष मिश्रा। तो अब कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे pwd लिखते हैं, और देखिए हम लोग होम डायरेक्टरी पे हैं, और यहाँ पे वैसे आपको टिल्ड से भी ये चीज़ पता लग रही होगी। तो मान लीजिए हम लोग को टेस्ट फोल्डर के अंदर भी एक फाइल बनानी है test2 नाम की। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टच कमांड चलाएंगे, टच, और टच के साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग को किस फोल्डर के अंदर बनानी है test2। तो test2, लेकिन हम लोग अभी किस फोल्डर में, होम फोल्डर। होम फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइलें हैं, ये सारी फाइलें हैं। टेस्ट भी, टेस्ट एक डायरेक्टरी है, और ये सारी डायरेक्टरी हैं और ये फाइल्स हैं। तो हम लोग को test2 के अंदर बनानी है, लेकिन होम के अंदर test2 नहीं है। तो टेस्ट किसके अंदर है, टेस्ट के अंदर। test2 किसके अंदर है, टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा test/test2, और इसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी है। किस नाम से फाइल बनानी है, test2.txt, और यहाँ मैं एंटर दबाऊंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा इसके अंदर जाके, तो ये देखिए यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ऐसे आप लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी फाइल बना सकते हैं। तो मैं इस फाइल को एक बार को ओपन करता हूँ, ओपन डॉट, और ओपन करने के लिए मैं इसको, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे लिख दूँ ऐसे test2.txt, यहाँ पे देखिए एक वो आएगा कि user/harshmishra, यानी कि होम डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल इस नाम की उसको नहीं मिली। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों की ये फाइल जो है वो हर्ष मिश्रा के अंदर ना होके टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है test2, उसके अंदर ये फाइल है। तो सबसे पहले हम लोग को उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। अब डायरेक्टरी में जाने के लिए या तो हम लोग लिखें cd, पहले टेस्ट में जाएं, फिर test2 में जाएं, और फिर उस फाइल को खोलें, वहाँ यहाँ पहुँचें। तो और इसके बाद मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। देखिए हर्ष मिश्रा के बाद test2 यहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ वहीं से खोलनी हो तो मैं पहले चलता हूँ होम डायरेक्टरी पर cd से, और वापस से क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ फाइल आपको। तो मैं यहाँ लिखूँगा ओपन, और इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा test/test2/, अब मैं यहाँ पे टी लिखूँगा और टैब दबाऊँगा, तो ये क्या करेगा, ऑटो कंप्लीट करेगा इसको, और मैं एंटर दबाऊँगा, तो ये देखिए फाइल क्रिएट हो चुकी है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम टेस्ट टू, और यहाँ पे मैं इसको कमांड एस से सेव करके कमांड क्यू से बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट टू है उसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा था वो आ चुका है हेलो फ्रॉम टेक्स्ट टू। तो हम इसको बंद कर देते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। और मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको कभी भी, जैसे कि आपने पहले जो कमांड्स लिखी थी कभी वो कमांड्स दोबारा चाहिए हो, प्रीवियसली रिटन कमांड्स, तो आप लोग एरो की, अप एरो की दबा के ऊपर वाली कमांड्स ला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक बार अप एरो की दबाऊंगा तो देखिए जो मैंने पिछली कमांड लिखी थी वो आ गई। मैं इसको फिर से एक बार दबाऊंगा तो एक और बार ऊपर वाली कमांड आ गई। एक बार मैं और दबाऊंगा तो ये देखिए PWD और आ गई। तो इस तरह से मैं पहले लिखी हुई सारी कमांड्स ला सकता हूँ। और मैं यहाँ PWD लिख के एंटर दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे होम डायरेक्टरी दिखा देगा। तो आप अगर जानना चाहें कि सारी कमांड्स देखना चाहें कि कौन कौन सी कमांड हैं, तो आप यहाँ पे एक कमांड लिख सकते हैं हिस्ट्री नाम से। तो हिस्ट्री लिख के जब आप एंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जो कमांड्स हैं ये सारी यहाँ पे प्रीवियसली यूज्ड कमांड्स हैं आपकी। तो यहाँ पे उनकी हिस्ट्री सेव्ड है। तो मैं एक बार फिर से टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ कमांड और के दबा के। तो बात कर लेते हैं अगर मुझे ये डायरेक्टरी डिलीट करनी हो टेस्ट, तो हम लोगों ने फाइल डिलीट करने के लिए एक कमांड यूज़ करी थी जो थी RM। तो अगर मैं यहाँ पे RM और टेस्ट लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। RM और टेस्ट मैंने लिखा तो ये बता रहा है कि RM टेस्ट जो है वो डायरेक्टरी है, तो ये इसको डिलीट नहीं कर सकता है RM से। तो RM क्या करता है, फाइल्स को डिलीट करता है। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए इसको एक फ्लैग चाहिए होता है। तो फ्लैग क्या होता है, RM के साथ हम लोग डैश के साथ R लिखते हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं। तो R जो है यहाँ पे रिकर्सिवली को रिप्रेजेंट करता है। R का मतलब है यहाँ रिकर्सिवली। और इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टेस्ट डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। तो यहाँ मैं जाके एक बार LS करके कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट डायरेक्टरी अब नहीं दिख रही है। तो जो RM होता है वो जो फाइल्स डिलीट करता है वो आपके बिन में नहीं जाती हैं। तो जब भी आप कभी कोई भी फाइल या डायरेक्टरी RM से रिमूव करें तो बी केयरफुल। ये थी कुछ बेसिक कमांड्स जो कि आपको टर्मिनल यूज़ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।